महिला की पुकार सुनो सरकार, ट्रेनिंग हुई पूरी तो ज्वाइनिंग क्यों नहीं, अधिकारी मौन प्रशासन मौन तो आखिर सुनेगा कौन, क्या मिशन शक्ति पर लगाया जा रहा है पलीता। जी हाँ, दर दर भटक रही इस महिला की पुकार आखिर कौन सुनेगा, अर्शकों का घूट पी रही इस महिला की लाचारी को आखिर कौन समझेगा। आंखों में सपने संजोए बैठी अर्चना नाम की ये महिला ग्राम पंचायत सोईठा की रहने वाली है। ग्राम पंचायत सोईठा में बीसी सखी हेतु महिला का चयन हुआ था, जिसकी ट्रेनिंग भी महिला ने की थी, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते महिला को आज तक ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। अपनी ज्वाइनिंग को लेकर महिला आला अधिकारियों के दर पर चक्कर लगाने को मजबूर है, लेकिन हाथ सिर्फ और सिर्फ मायूसी लगी। ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं, ना ब्लॉक वाले सुन रहे हैं, ना जिले वाले सुन रहे हैं। बहुत परेशान है, बहुत जगह गए। किसमें आपकी ज्वाइनिंग हुई है, किसमें ज्वाइनिंग हुई है? बैंक सखी में, बिजनेस करने सखी है। योगी आदित्यनाथ जी ने चलाया था 2020 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। हमने ऑनलाइन आवेदन किया था, हमारी ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। हमारा गांव सोलठा है, ग्राम सभा रसूलपुर गोंडा पोस्ट और सतावन ब्लॉक है, जिला रायबरेली। सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हैं। मिशन शक्ति का तीसरा चरण हाल ही में योगी सरकार ने शुरू किया। महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर सरकार प्रयासरत है, लेकिन लापरवाही की ऐसी तस्वीरें सरकार की मंशा पर पानी फेरने का काम करती हैं। महिला ने बीसी सखी ऐप पर जो विवरण अपलोड किया था उसे लॉक कर दिया गया। महिला को पहले बताया कि आपका समूह रजिस्टर्ड हो गया है, लेकिन फिर लॉक कर दिया गया, जिसे लेकर महिला दर दर भटक रही है और समूह को शुरू कराने की गुहार लगा रही है। रायबरेली से भोला गुप्ता की रिपोर्ट।